अगर अभी भी जो है फेसबुक के ऊपर काम करते हो और फेसबुक के ऊपर काम कर करके परेशान होते हो, बहुत सारी वीडियोस अगर आपने अपलोड कर दिया लेकिन अगर रिजल्ट फिर भी आपको नहीं मिल रहा, तो देखो मैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद, मैं आज आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ, जो भी आपको मैं एनालिटिक्स दिखाने वाला हूँ, जो भी आपको मैं तरीका बताने वाला हूँ, आई होप कि इसके बाद कहीं ना कहीं आप जो डीमोटिवेट हो रखे हैं उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा हौसला मिलेगा, मोटिवेट होंगे और फिर से आप अगेन एक बहुत अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हैं। तो देखिए अभी बात यहाँ पर यह है कि ज़रूरी नहीं कि नए क्रिएटर, ओल्ड क्रिएटर, कोई भी क्रिएटर जो भैया वीडियोस डालने वाले हैं या जो वीडियो डाल रहे हैं या जो कुछ भी या जो अभी शुरुआत करने वाले हैं, सबके लिए ये कंटेंट देखना बहुत ज़रूरी है। 24 आवर्स के अंदर मात्र आप सोचिए कि मात्र 24 से 36 घंटे के अंदर, एक से डेढ़ दो दिनों के अंदर 2 मिलियन प्लस व्यूज़। हालांकि अगर मैं बात करूं जिनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं उनके नंबर के हिसाब से बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, बट आप ये देखिए मैं 1000 2000 4000 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 20 लाख की बात कर रहा हूँ। मैं 2 मिलियन प्लस व्यूज़ कैसे आ गया, क्या था ऐसा कॉन्टेंट के अंदर, सब कुछ पूरी डिटेल तो आपको मैं दिखाता हूँ। मैं मेरा एक खुद का पेज, और जो कि मेरा पेज है, जो पेज है वो पेज के ऊपर मैं बड़ा लाइक हेल्थ यानी सोशल टाइप का मैं उस पर वर्क करता हूँ। मैं आप नोटिस करेंगे अगर देखेंगे, आपको यहाँ पर एक मेरा पेज दिख रहा होगा जो कि मेरा पेज है यहाँ पे हेल्प फॉर लाइफ। बेसिकली ये हेल्प फॉर लाइफ मेरा पेज है जिसके अंदर मैं लोगों की मदद करता हूँ। लोगों की मदद मीन्स टू जैसे मान लो कोई बंदा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मान लो मुझे दिख गया कोई गरीब आदमी जिसको भैया नीड है राशन की, या किसी को नीड है खाने की, किसी को भैया मैं देखता हूँ अगर मेरे को मेरे नज़र के सामने पड़े, देखो डेडिकेटेड मैं जाके वीडियो नहीं बनाता, मेरे रास्ते में अगर मुझे कोई मिल गया, आने वाले टाइम पे इसको बहुत प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगा मैं, ताकि जो है और भी कंटेंट और भी लोगों की मैं ऐसी मदद कर सकूँ। मैं तो जो मुझे ऐसे दिख जाते हैं तो उनका मैं कंटेंट अच्छे से बनाता हूँ और उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पे, ये मेरा पेज है हेल्पफुल लाइफ, और आप सबसे रिक्वेस्ट है आप जाके इसको फॉलो ज़रूर कर लो। आप सब लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए मुझे, उसको फॉलो ज़रूर कर लो। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक मैंने वीडियो पब्लिक किया था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो कम करता हूँ आवाज़ को। आप देखो ये मेरा एक वीडियो था जो कि मैंने यहाँ पे पब्लिक किया था 3 दिन पहले, जब शुरुआत में मैंने पोस्ट किया तो कोई रिजल्ट नहीं आया, 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे तक कोई रिजल्ट नहीं आया, आई थिंक 8 घंटे के बाद 5000 व्यूज़ हो गए, फिर 10000 व्यूज़ हो गए, फिर 20000 30000 1 लाख 2 लाख, और इतना करते करते आज 3 दिन बाद देखोगे तो आपको यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहोगे, यहाँ पे जो व्यूज़ का रेशो आप देखोगे 2 मिलियन व्यूज़ हो गए इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर, 2 मिलियन का व्यूज़ काउंट हो गए, आपके सामने है ये डेटा। इतना ही नहीं, यही वीडियो नहीं, इस वीडियो के अलावा भी बाकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे इस पेज के ऊपर जो कि 1.8 मिलियन 2.3 मिलियन ऐसे मिलियंस ऑफ मिलियंस में व्यूज़ हैं। काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा इस पर लोगों का प्यार मिलता है, और बेसिकली ये प्यार इसलिए मिलता है क्योंकि इस पर जो मैं इनकी हेल्प करता हूँ, मान लीजिए अगर 50 रुपये की चीज़ है तो मैंने 200 रुपये दे दिए, 500 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे दिए, इस तरीके से मेरा बड़ा यहाँ पे ये सब केस चलता रहता है। तो आप जाके इसको खुद भी देखिए और सपोर्ट कीजिए। अब बात करते हैं कि ये सब व्यूज़ आता कैसे है, कैसे व्यूज़ आते थे। आप देखेंगे यहाँ पे अंकल जी पे यहाँ पे 6000 व्यूज़ आया था, ऐसे बहुत सारे कॉन्टेंट मैंने डाले हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, आप जाके देखेंगे तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेंगे जो कि कई लाखों में और कई मिलियंस के अंदर व्यूज़ हैं इसमें। तो बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो अगर देखिए आप सबसे मेन चीज़ आप समझो कि आखिर में जो मैं कैसे किस तरीके से हम कंटेंट डालें, जो मेन मुद्दा है कैसे कंटेंट वायरल होंगे और क्या तरीका है वो कंटेंट डालने का, सब चीज़ इसे आप स्टेप बाय स्टेप आप सीख लो बिल्कुल अच्छे। देखिए आप देखेंगे यहाँ पे 2.3 मिलियन, और नीचे भी थोड़ा सा और डिटेल में आएंगे बहुत सारे, ये अभी कुछ लेटेस्ट वीडियोस हैं। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे और थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस बनाए यार, बहुत सारी, तो कई वीडियोस लाखों में, कई वीडियो हज़ारों में हैं, तो इस तरीके से भैया यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम तो। अच्छा एक बात समझ लो, जो कोई भी कंटेंट बनाओ यार अच्छा और यूनिक कंटेंट बनाओ। जब आपका अच्छा और यूनिक कंटेंट, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये वीडियो भी देखिए 1.5 मिलियन है, तो ऐसे और भी वीडियोस है जो कि कई मिलियंस में। अब हम थोड़ा सा इसका देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं, बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाते हैं, और प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे मैं सिर्फ इनसाइट्स के ऊपर बात करूँगा। मैं इनसाइट के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे सी मोर इनसाइट्स है, सी मोर इनसाइट्स के ऊपर आप यहाँ पे चीज़ों को समझिए। देखिए यहाँ पे पोस्ट रीच आप देखोगे यहाँ पे कितने 3.4 मिलियन है, इंगेजमेंट देखोगे 2,78,000 है, और साथ ही साथ इतना ही नहीं,
अगर आप यहाँ पे थोड़ा और देखो, नेट फॉलोवर्स देखोगे, 3 सेकंड्स का वीडियो देखोगे, यहाँ पे देखो 2.1 मिलियन है, 6 लाख समथिंग है। तो अगर थोड़ा और डिटेल्स में आओ तो यहाँ पे देखिए, अब देखो इसको, अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट का जो व्यूज़ है 54,000 है, 2 मिलियन है, 2 लाख है, इस तरीके से ये रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इम्प्रेशन देखो, यानी कि 3 लाख 3.5 लाख का ऑलमोस्ट इम्प्रेशन है, उसमें से 2.1 मिलियन का व्यूज़ काउंट है। थोड़ा सा नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे कौन से लोग देख रहे हैं, आप सबसे नीचे समझो, आप अपनी ऑडियंस को समझिए, आपके कंटेंट को कौन से लोग देखेंगे, बूढ़े देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, जवान देख रहे हैं, या हाउसवाइफ देख रही हैं, या कौन से लोग आपके कंटेंट, आपका यूज़र कौन है, मतलब आपका व्यूवर्स कौन है, उसके अकॉर्डिंग उसके टाइम के अनुसार डालिए। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, जैसे मतलब कुकिंग का चैनल है, तो कुकिंग वाले कब करेंगे भैया, अब आप दोपहर में डालो तो कौन देखेगा बताइए, दोपहर में नहीं, उनको आप 3 बजे डालिए, 4 बजे डालिए, या सुबह सुबह कंटेंट डालिए। तो कहने का मतलब अपनी ऑडियंस को पहचानिए, आपकी ऑडियंस कौन सी है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मान लो जिसका एजुकेशन चैनल है, एजुकेशन वाले कौन से टाइम पे देखेंगे, उनको तो भैया ट्राई करो कि सुबह डाल दो, नाइट में डाल दो, इवनिंग में डाल दो। तो आप कोशिश कीजिए कि कंटेंट उसके अकॉर्डिंग बनाइए, अपने यूजर्स के हिसाब से आप समझिए पहले कि आपके यूजर्स कौन से हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे नंबर ऑफ पीपल 25 से 34 साल वाले हैं, यानी जिनकी उम्र 25 साल से लेकर 34 साल है वो लोग। और यहाँ पर आप देखोगे, और ये देखो ये रेशो सबसे ज़्यादा सही होना चाहिए, यहाँ पे मेंस की रेशो जो है 85% है, वुमेन की जो है 15% है। अगर ये एवरेज हो जाए यानी 50-50% हो जाए या 60-40% हो जाए, तो आप समझ लो आपका कंटेंट और वायरल होने के चांसेस है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि भैया देखिए, ट्राई कीजिए कि आप जो है अपने ऑडियंस को पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड कीजिए, फिर आप डालिए। जैसे देखो आपका फनी और कॉमेडी वीडियो है, अब फनी कॉमेडी वीडियो तो ऑल ओवर चलता, कभी भी चल जाएगा, किसी भी टाइम चल जाएगा। तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ट्राई कीजिए कि अपने ऑडियंस को पहचान लो, टाइम डिसाइड कर लो कि कौन से टाइम पे पब्लिक करना है। और इतना ही नहीं, अगर आप इसमें ये जो इसका, और देखो अपने इनसाइट्स के अकॉर्डिंग काम कीजिए, जो भी आप देखो ना, जो भी आप समझो, अपने इनसाइट्स के भी आप पे काम करो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, किस तरीके से हमें देखना है, किस तरीके से हमें ट्रैक करना है, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। तो मेन मुद्दा ये है मेरा कि यहाँ पे बोलने का कि भैया देखो, आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले कॉन्टेंट जो भी बनाए नीट एंड क्लीन और क्लियर बोलिए। दूसरा बात, आप ट्राई कीजिए जो भी आपका फोकस रहे सामने रहना चाहिए। अगर देखो कॉमेडी उमेडी है तो वो एक अलग केस है, बट अगर आप कोई एजुकेशनल, कोई टैग, कोई ऐसे वीडियोस बना रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए, आपकी ऑडियंस के साथ आपका अट्रैक्शन बना रहना चाहिए। और साथ ही साथ अपनी ऑडियंस को पहचान लो, टाइम को पहचान लो, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करना स्टार्ट करो। और सबसे लास्ट और सबसे खास टिप्स, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, पूरा SEO का पार्ट जो वीडियो डालने का है वो सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी किया, ऐसे वैसे डाल के बस डाल दिया फटाक से, सब कुछ प्रॉपर डालिए। सो कहीं आप उम्मीद करें कि आपका अच्छा खासा व्यूज़ आएगा, अच्छे खासे रिजल्ट आएंगे। आई होप कि आप सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। बाकी फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कंसल्टेंट चाहिए, तो आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से जाके आप वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और साथ ही साथ फिर भी अगर आपको कोई और इशू है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बस फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। बाय एंड टेक केयर।